नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर गोंडा शहर के एक होटल में सेक्स रैकेट चल रहा था। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र रेल स्टेशन रोड पर स्थित छेदीपुरम में मंगलम गेस्ट हाउस के कमरे से दो लड़कियों के रुकने की पुलिस को सूचना मिली थी। सीओ के साथ दर्जनों महिला पुलिस कर्मी ने छापेमारी की, हड़कंप मचा। रेड के दौरान होटल के कमरे में मिली दो लड़कियां, होटल में ठहरने के लिए नहीं मिली कोई आईडी। दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर गई पुलिस। लड़कियों से महिला थाने में की जा रही है पूछताछ। वहीं होटल संचालक को थाना नगर कोतवाली में बैठाया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। सीओ सदर लक्ष्मीकांत गौतम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मंगलम गेस्ट हाउस में एक कमरे में दो महिलाएं, कुछ पुरुष संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। इस पर महिला थाना प्रभारी व महिला सीओ को मौके पर जांच के लिए भेजा गया। वहां पर कोई पुरुष नहीं मिला, मात्र दो लड़कियां पाई गईं। उन्होंने महिला थाना ला करके पूछताछ की और गेस्ट हाउस के मैनेजर से भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ थाने में की जा रही है और जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई थी कि मंगलम गेस्ट हाउस जो कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित है, इस गेस्ट हाउस के कमरे में दो महिलाएं और कुछ पुरुष संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। इस पर महिला थाना प्रभारी और सीओ को मौके पर जांच के लिए भेजा गया तो वहां कोई पुरुष नहीं मिला, मात्र दो लड़कियां मिली। उन्हें महिला थाना लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और गेस्ट हाउस के मैनेजर से भी बातचीत की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके अभिलेखों की भी जाँच की जा रही है। जो भी सही तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।